Hello everyone. In the previous video, we were seeing membrane transport. हमने देखा कि दो टाइप के membrane transport होते हैं, plasma membrane के through और plasma membrane को selectively permeable या semi permeable membrane कहा जाता है, क्योंकि वो चीजें जो cell को required है उसे उन्हीं को लेती है, जो cell को required नहीं या तो उन्हें नहीं लेती है, जो harmful substances को mass cell के अंदर से throw out कर देती है. और ये दो तरीके से होता है, एक पहला एनर्जी का यूज करके और दूसरा बिना एनर्जी के यूज करके. यहाँ पे एनर्जी यानी एटीपी, एक एनर्जी का एटीपी यूज करके, दूसरा विदाउट एटीपी का यूज करके. जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन बिना एटीपी का यूज करके होता है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जब एटीपी का यूज करके होता है उसे एक्टिव. हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देख रहे थे जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन हमने देखा कि द नेचर नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन अनदर बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल मॉलिक्यूल और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, जब ऐसा मूवमेंट हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. लेट अस कम टू ऑस्मोसिस. नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू विच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल. द सॉल्वेंट इज बायोलॉजिकल सिस्टम in all biological system is water. So what is osmosis? जब water या solvent का movement हो रहा है, जहाँ पे solute के particles कम है वहां से जहाँ पे solute के particles ज्यादा, और वहां पे जब ऐसा movement हो रहा है तो ऐसे movement को हम osmosis कहते हैं. You can see in the jar, यहाँ पे जो रेड डॉट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अगर आप इस जार को देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा हैं और इधर सॉलिड पार्टिकल्स कम हैं, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? सॉल्वेंट का हो रहा है यानी लिक्विड पार्ट का हो रहा है. कहाँ से? जहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है यानी सॉलिड पार्टिकल है, टूवर्ड्स हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. This type of movement is called as through a semi-permeable membrane is called as osmosis. Second, next is facilitated diffusion. ये भी passive type का transportation है. हमने देखा दो type के transportation होते हैं, एक active और एक passive. Active में energy required होती है, मतलब ATP खर्चा करना पड़ता है cell को, तब कोई चीजों का movement होता है. Passive में without expenditure of energy ATP का, और उसमें हमने diffusion देखा, और कौन सा देखा? Osmosis. In the next video, we are going to see what is facilitated diffusion. Thank you.